बिलमौर नगर में सड़क निर्माण का काम आधा अधूरा किए जाने से मार्ग पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। इस बात को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नागपुर शहर में विकास के काम तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन कछुआ चाल से यानी काफी धीमी गति से होने से शहर के नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भरतवाड़ा चौक से लेकर गुलमोहर नगर और भरत नगर की सड़कों की लचर हालत हुई है। सड़क को अधूराई छोड़ दिया है, सड़क पर गिट्टी बिखरी हुई है, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। इतना ही नहीं तो यहाँ पर लगा है हाई मास्ट भी बंद पड़ा हुआ है, जिससे रात में यहाँ पर घना अंधेरा रहता है। इस मार्ग से बस्ती वाले और पहाड़ से वाहनों की बड़ी आवाजाही शुरू रहती है। इस सड़क पर रात को दुर्घटनाएं होना आम बात हो रही है। कई लोगों के हाथ पांव दुर्घटनाओं में टूट चुके हैं। इस बारे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पूर्व नागपुर उपाध्यक्ष पवन शाहू ने बार बार ज्ञापन अधिकारियों को दिए है, फिर भी स्मार्ट सिटी के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस बात को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पवन शाहू नौजवानों ने स्मार्ट सिटी के खिलाफ आंदोलन किया है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इन मिशन की टीम भरतवाड़ा नगर के उस चौक में है जहां पे आप देख सकते हैं कि सड़क निर्माण का कार्य के नाम पे यहाँ पे जो कामकाज जो शुरू है काफी लचर हालत बनी हुई है और लेट लथीपी हो रही है, जिसके चलते आने जाने वाले ये जो वाहन है ये फिसल कर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शाखा प्रमुख पवन साहू और उनके तमाम साथियों नागरिकों द्वारा यहाँ पे एक आंदोलन किया जा रहा है, वे इस समय में हमारे साथ में मौजूद है। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। पवन जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आज ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से प्रशासन का जो निषेध किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे भरतवाड़ा चौक के इस सड़क के बारे में? जी सर, जैसे कि अभी प्रभाग चार में जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, आज लगभग एक साल हो गया है। एक सालों से लोगों का काम इतना धीरे धीरे चल रहा है, जहां गड्ढे तो फैला के रख दिए, जगह जगह गड्ढे करके रखे और लोगों को इसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिट्टी फैला के रख दिए, आज तक अभी तक इसमें एक सालों के अंदर में कोई भी विकास हुआ नहीं है। जबकि ये चौक पे भरतवाड़ा टी पॉइंट चौक है, जैसे आप, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो भरतवाड़े का लाइट जो है वो वहाँ का काफ़ी 6-7 महीने से बंद पड़ा है, जिसके कारण अंधेरा हो जाता है, लोग अंधेरे में गिर पड़ जाते हैं और गिट्टियों से बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। रोड में अभी तक काम हुआ नहीं, जबकि मैं स्मार्ट सिटी अधिकारियों को बता चुका हूं कि आप यहां पे एक्शन ले, यहां एक्शन ले, जल्द से जल्द काम कर दीजिए, उनको मदद दीजिए। लक्ष्मी नगर, गुलमोहन नगर, भरतवाड़ा, विजय नगर, जामनगर, शिव शंभू नगर, ऐसे हर परिसरों में काम फैला के रखा गया है, पर विकास एक भी नहीं हुआ है। जबकि गड्ढे कर करके रखे हैं, पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से गरीब मजदूर व्यक्ति यदि गिर जाता है तो अस्पताल जाने के लिए भी उतना पैसा मौजूद नहीं होता है। और इस परिसर के अंदर में सब लोग ना आमदार ध्यान दे पा रहे हैं, ना नगर सेवक ध्यान दे पा रहे हैं, और जबकि 15-20 सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद, आमदार रहने के बावजूद, नगर सेवक रहने के बावजूद कोई भी विकास नहीं है, जिसमें लोग अपने थोड़े थोड़े पैसे जुटा के चंदा इकट्ठा करके रोड रास्ता बनाने का तैयार निर्माण कर रहे हैं और थोड़ी बहुत राहत लेते रहते हैं। और स्मार्ट सिटी वालों को अभी हम निषेध करते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड का काम होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से घेराव करेंगे स्मार्ट सिटी अधिकारी को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं पवन शाहू। तो आप है पवन शाहू, जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि यहाँ की किस प्रकार की लचर हालत बनी हुई है और यहाँ पे जो हाईमास्ट के जो लाइट्स लगाए वो भी पूरी तरह से बंद रहते हैं। रात के अंधेरे में लोगों को यहाँ से आने के लिए काफ़ी तकलीफ होती है और सड़कें अभी भी पूरी तरह से नहीं बनने के वजह से और गिट्टी जहाँ देखो वहाँ उखड़ चुकी है, फैलाव जो है बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहा है, गड्ढे भी बड़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई हादसे हो रहे हैं इस और स्मार्ट प्रशासन को इन्होंने बार बार ये बताया है, लेकिन अभी भी अधिकारियों के कानों पे जू तक नहीं रेंगी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये भरतवाड़ा के निवासियों को कब न्याय मिलता है, क्योंकि विधायक और पार्षद वो भी ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे समय में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इस और सरकार का और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन्हें कब न्याय मिलता है नहीं, इसके और भी पूरे महाराष्ट्र की निगाह लगी हुई है। भरतवाड़ा से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।